नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंक संता कर्मणम सिद्धिम यजंत इहा देवता क्षिप्राम ही मनुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। मेन इन द वर्ल्ड डिजायर सक्सेस इन फ्रुएटिव एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे वर्शिप द डेमिगॉड्स क्विकली। ऑफ कोर्स मेन गेट रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रुएटिव वर्क इन द वर्ल्ड। तो जो भी कर्म करके उनको कोई एक रिजल्ट चाहिए होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क जो होता है कि मुझे ये काम करना है, तो इसके मान लीजिए आपने पढ़ाई किया तो आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपने जॉब में अच्छे से परफॉर्म किया तो आपको प्रमोशन चाहिए। तो ये जो फ्रुएटिव रिजल्ट्स देने वाले काम हैं, तो इन कामों में लोगों को सक्सेस पाने के लिए डेमिगॉड्स को वो प्रे करते हैं, उनको वो सक्सेस मिल भी जाती है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। There is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of supreme lord. जो demigods होते हैं, अलग अलग forms of जो भगवान के रूप होते हैं, उनको सब सोचते हैं कि वही supreme god है और उनसे सब कुछ मांगने लग जाते हैं। Actually, the demigods are not different from god, but they are god's different parts and parcels. God is one and the parts and parcels are many. वो अलग अलग रूप है, जैसे हमारे हम एक शरीर है, हमारा हाथ है, पैर है या हमारे शरीर के अंश हैं। सिर्फ हाथ को ले लेंगे तो वो पूरा शरीर नहीं बन जाएगा ना, सिर्फ पैर को ले लेंगे तो शरीर नहीं बन जाएगा, लेकिन इनमें से कोई एक नहीं रहेगा तो इनकम्प्लीट भी हो जाएगा। सो सब मिलके एक पार्ट बनाते हैं। जैसे कोई एक डेमिगॉड हो गया, वो आपका हैंड जैसा हो गया, कोई लेग हो गया, कोई हेयर हो गया, कोई आपका कोई इंटरनल ऑर्गन हो गया। सो हर कोई ही इम्पॉर्टेंट है और हर कोई मिलके ही वो संपूर्ण है, जो संपूर्ण मतलब कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो संपूर्ण रूप एक है और उनके अलग अलग अंश है जो उनको वो बनाता है। ठीक है, सो द वेदा से नित्यो नित्यानम गॉड इज वन ईश्वर परमम कृष्ण, द सुप्रीम गॉड इज वन कृष्ण एंड ईश्वर एंड द डेमिगॉड्स आर डेलीगेटेड विथ पावर्स टू मैनेज दिस मटीरियल वर्ल्ड। जो डेमिकॉड्स हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ दी गई है ताकि वो मटीरियल वर्ल्ड की देखभाल कर सके। जैसे आपकी इंटरनल ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन्स को कोई कोई काम दिया गया है जिसके मदद से आपका शरीर ओवरऑल काम करेगा। सो दीज डेमिकॉड्स आर ऑल लिविंग एंटिटीज नित्यानम विद डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटीरियल पावर। They cannot be equal to the supreme God, Narayana, Vishnu or Krishna. There, anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or pasandi. Even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva. Shiva virinchi nutam. Yet, curiously, enough there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism or zoomorphism. Iha Devata denotes a powerful man or demigod of this material world. देखिए, शिव तत्व के अनुसार ये बोला जाता है कि शिव, मैंने क्योंकि मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ बहुत साल से, बहुत ही मैं दृढ़ शिव भक्त रह चुकी हूँ और शिव को ही मैं सब कुछ मानती थी। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति मैं कृष्ण को ज़रूर पसंद तो करती थी, लेकिन उस तरीके से नहीं जो कि पिछले एक साल से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। उसके पहले गीता पढ़ती थी, समझती थी, चीज़ों को हैंडल करती थी, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से अभी कर रही हूँ। क्योंकि मैं बचपन से ही, जन्म से ही मैं शिव भक्त रह चुकी हूँ एंड वो मुझे बहुत ही ज़्यादा भाते रहे हैं, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। और इसीलिए मैंने तब पढ़ा था कि कहीं एक एक्सप्लेनेशन है शिव तत्व के अनुसार कि शिव ही सब कुछ है, वही परम पुरुषोत्तम है, वही परमेश्वर है, और उनको इसलिए देवों का देव महादेव बोला जाता है।
तो ये अलग अलग फॉर्म्स के एक्सप्लेनेशन है, मैं किसी को भी गलत या सही नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि विष्णु तत्व या कृष्ण तत्व के अनुसार कृष्ण को ही महान माना चाहिए। इसमें मुझे भी बहुत, जब मैं मायापुर में पहली बार गई थी ना, तो मैं पहली बार कृष्ण के बारे में सब कुछ सुन रही थी, जो सारा सब कुछ मैं शिव के बारे में सुनती थी कि शिव का जो लिंग है उसका कोई शुरू या अंत कोई भी विष्णु या ब्रह्मा कोई भी ढूंढ नहीं पाए थे, तो यही प्रमाण हो गया था कि शिव ही सबसे सर्वोत्तम है। और जब विष्णु तत्व के अनुसार जाएंगे, ब्रह्म के बारे में कहीं पे भी उनको महान नहीं कहा जाता है, मतलब मुझे नहीं सुनने में आया है, पता नहीं कहीं पे लिखा होगा अगर, लेकिन विष्णु के बारे में पढ़ते तो उनको कृष्ण को या विष्णु को ही परमेश्वर माना जाता है, उनको वाणी सुप्रीम माना जाता है। शिव तत्व के अनुसार शिव को सुप्रीम माना जाता है। एंड मैंने कहीं पे एक बार जग देखा था कि दोनों ही इतना इक्वल इक्वल है कि दोनों एक बार फाइट करने लगे थे तो कोई जीत नहीं पाया था। एक बार विष्णु और शिव में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी एंड दोनों फाइट करने लगे थे तो कोई भी जीत नहीं पाया था, क्योंकि दोनों सेम एनर्जीज के प्रमाण हुए थे एंड दोनों सेम इक्वली स्ट्रोंग थे। तो इसीलिए दोनों को ही, दोनों के बारे में ही इक्वली बोला जाता है कि यही सबसे महान है। यहाँ पे भी बोला जाता है यही सबसे महान है। दोनों फाइट करने लगे तो कोई जीत नहीं पाया, और बोला गया था वो युद्ध चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब वो लोग शांत हो गए तो वो लोग वापस से दोस्ती कर ले, क्योंकि वो युद्ध कभी ख़त्म नहीं होता। यही चीज़ है कि क्योंकि रह चुकी हो ना शिव भक्त, इसीलिए मैं इस चीज़ को ऐसे ही बोलूंगी कि आपको जो हृदय से समझ में आ रहा हो उस तरीके से परसीव करिए। ऑब्वियसली शिव भी मेरे लाइफ में, शिव को विश्वास करके मैं ज़िंदगी के 25-26 साल बिताई हूँ, बहुत ही दृढ़ विश्वास करके। तो शिव ने मेरे लाइफ को मिराक्युलसली बहुत अच्छा करा है। एंड जब मैं कृष्ण को उस तरीके से, जैसे मैं हर वक्त चलते चलते ओम नमः शिवाय बोल बोल के चलती रही हूँ या शिव गुरु बोल बोल के चलती रही हूँ, उस तरीके से अभी हरे कृष्ण में शिफ्ट हो गया वो चीज़। पता नहीं कैसे हो गया, हो सकता है मेरे गुरु शिव ने ही मुझे कृष्ण के पास में भेजा। जब मैं अभी हर सेकेंड चलते चलते हरे कृष्ण बोलती हूँ तो मुझे वही एक्सपीरियंस होता है, वही प्रोटेक्शन मिलता है। शायद ये थोड़ा डिफरेंट फील होता है और लगता है कि कुछ मिराक्युलस है, लेकिन शिव के साथ में जब मैंने शिव की भक्ति करी है तो उसमें भी मैंने मिराक्युल ही देखा है। तब भी मैं हर सेकेंड शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु, कोई मेरे सामने गलत शब्द बोल दे ना, मैं शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु शिव गुरु रिपीट करती थी। कोई मेरे सामने अगर कोई गलत चीज़ कर रहा हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं शिव को याद करती थी। तो मैं इस तरीके से रही हूँ और सेम चीज़ अभी मैं कृष्ण के साथ में करती हूँ। और कभी कभी मुझे गिल्ट होता है कि कहीं मैंने अपने शिव को उनसे डिटैच तो नहीं हो गई, तो मुझे डर भी लगता है, गिल्ट भी होता है, लेकिन मैं फिर दोनों को इक्वली याद कर लेती हूँ, क्योंकि रूप है अलग अलग। अभी मैंने जैसे बताया, दोनों तत्व के अनुसार शिव तत्व में शिव को महान सबसे बड़ा माना जाता है, एंड विष्णु तत्व के अनुसार या कृष्ण तत्व के अनुसार कृष्ण को सबसे महान माना जाता है। तो जो जो बिलीफ है उस हिसाब से, अगर आप दोनों को इक्वली पढ़ेंगे तभी आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा। एनीवेज, तो बट नारायण विष्णु और कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, ही इज अबव और ट्रांसेंडेंटल टू मटीरियल क्रिएशन। सेम चीज़ बोला जाता है, जो यहाँ पे विष्णु के बारे में बोला गया ना, सेम चीज़ शिव के बारे में भी बोला जाता है। सो इवन श्रीपदा शंकराचार्य द लीडर ऑफ द इम्पर्सनलिस्ट मेंटेन दैट नारायण और कृष्ण इज बियॉन्ड दिस मटीरियल क्रिएशन। दे हाउएवर फुलिश पीपल, जो लोग इंसान को पूजा करते हैं ना, जो इंसान को, यानी कि कोई अगर बाबा हो गया, माँ हो गए, जो दुनिया के इंसान हैं, जैसे अगर मैं अगर अभी मैं बाबा या माता जी जैसा बिहेव करने लगूँ, वैसे ड्रेसअप करूँ और लोग मुझे आगे पूजा करें, तो वो गलत होगा ना। सो इंसान को कभी पूजा मत करिएगा उस तरीके से। ऑब्वियसली सबके अंदर भगवान होते हैं, तो सबको रेस्पेक्ट कीजिएगा, सबको उस तरीके से मानिएगा, बट कभी भी कोई एक इंसान को वही सुप्रीम लॉर्ड है उस तरीके से नहीं। हाउएवर फुलिश पीपल रिता ज्ञान वर्शिप द डेमिगॉड्स बिकॉज दे वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट, दे गेट द रिजल्ट बट डू नॉट नो दैट रिजल्ट सो ऑब्टेन आर टेम्पररी एंड आर मेंट फॉर लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स। द इंटेलिजेंट पर्सन्स इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड ही हैज नो नीड टू वर्शिप द पैल्ट्री डेमिगॉड्स फॉर सम इमीडिएट टेम्पररी बेनिफिट। डेमिगॉड्स आपको चट जल्दी दे देंगे, लेकिन उस वो ज़्यादा दिन या तो नहीं टिकेगा ऐसा बोला जा रहा है, या फिर वो आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, ऑब्वियसली ऐसा होता है। या फिर ऐसा होता है कि कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके बदले में, मतलब आप कुछ ले रहे हो ना उनसे आशीर्वाद, तो उसके बदले आपको कुछ करना होता है। एक तो आप प्रे कर रहे हो वो तो है ही, और किसी और को भी मदद करने का एक एक हो जाता है, करना पड़ता है
ऐसे तो वो अच्छी बात ही है, सबको मदद करना चाहिए। द इंटेलिजेंट पर्सन इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ही हैज़ नो नीड टू वर्शिप द पैल्ट्री डेमिगॉड्स फॉर सम इमीडिएट टेम्पररी बेनिफिट। द डेमिगॉड्स ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड एज वेल एज देयर वर्शिपर्स विल वैनिश विद द एनिहिलेशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। जैसे ही मटीरियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वर्शिपर्स या डेमिगॉड्स सारे ही गायब हो जाएंगे। द बून्स ऑफ द डेमिगॉड्स आर मटीरियल एंड टेम्पररी। बोथ द मटीरियल वर्ल्ड्स एंड देयर इनहेबिटेंट्स इंक्लूडिंग द डेमिगॉड्स आर देयर वर्शिपर्स एंड बबल्स इन द कॉस्मिक ओशन। तो जो डेमिगॉड्स के आशीर्वाद है वो भी टेम्पररी हो गए। जो मटीरियल वर्ल्ड है और उनके जो इनहेबिटेंट्स मतलब जो रहने वाले लोग हैं, जो डेमिगॉड्स भी उसके अंदर आते हैं एंड जो प्रेयर्स करते हैं, वो सारे ही लोग एक कॉस्मिक ओशन के बबल, छोटा सा बबल जैसा है जो पटक करके गायब हो सकता है। इन दिस वर्ल्ड हाउएवर ह्यूमन सोसाइटी इज मैड आफ्टर टेम्पररी थिंग्स सच एज मटीरियल ऑप्यूलेंस ऑफ पोजेसिंग लैंड फैमिली एंजॉयबल पैराफर्नेलिया। ठीक है, मतलब किसी को बच्चा चाहिए तो किसी को शादी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए तो किसी को, ये सब चीज़ तो मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी हो ही जाता है ना, तो उस हिसाब से लोग उसके पीछे क्रेजी हो जाता है। यही सीखा जा रहा है कि क्रेजी मत होना टू अचीव। जैसे ये छोटी सी लाल चींटी है, ये बचने के लिए क्रेजी हो रही है, तो उसको मेरा हाथ ही मिल गया चलने के लिए। अभी मैं तो किसी चीटी वीटी को बचपन से मार नहीं पाती, मैं इसको कोशिश करूँ कि अपने लाइन में वापस चली जाए, पर नहीं जा रही है, ये मेरे ही हाथ में चलती जा रही है, फिर मुझे काट देगी। ठीक है, तो मुझे लगेगा चली गई, शायद कहीं गिर गिर गई, नहीं दिख रही और। ओके, टू अचीव सच टेम्पररी थिंग्स पीपल वर्शिप द डेमिगॉड्स और पावरफुल मैन इन ह्यूमन सोसाइटी। इफ अ मैन गेट्स सम मिनिस्टरशिप इन द गवर्नमेंट बाई वर्शिपिंग अ पॉलिटिकल लीडर ही कंसिडर्स दैट ही हैज अचीव्ड अ ग्रेट बून। जैसे मक्खन लगाते हैं ना, तेल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं कि कर दीजिए ना सर, कर दीजिए ना, फिर उसको लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, कोई इंसान के अंदर भी वो अगर स्किल सेट रहता है या फिर पावर रहता है तो वो इंसान भी मदद कर देता है ना। वैसे ही कोई भी चीज़ पाने के लिए किसी इंसान के पीछे पीछे मत भागो, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं इस चीज़ को बहुत बार बहुत तरीक़ों से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। किसी को भी अगर आपको चाहिए कि आपका कोई एक फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो जो फॉर्म एक्सेप्ट करने वाला है उसके पीछे मत भागो, ईश्वर को प्रे करो, वो अपने आप ही आपको चैनलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर देयरफॉर नोटोइंग टू द सो कॉल्ड लीडर्स और बिग गन्स इन ऑर्डर टू अचीव द temporary boons and they indeed achieve big things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hardships of material existence. They are all देखिए वो चीटी नहीं गया finally. They are all after sense enjoyment and get little facility for sense enjoyment. They are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are rarely interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment and therefore they worship some powerful living entity. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें लोग इंटरेस्ट लेने के जगह अपने लाइफ में मटेरियल चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि वो डेमीगॉड्स को प्रे करने लग जाते हैं या फिर किसी इंसान को ऑयलिंग करने लग जाते हैं, जबकि वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाके अगर खुद को उस फॉर्म में मेडिटेट करेंगे तो उनकी लाइफ वैसे ही बहुत आसान हो जाएगी। लाइफ में मटेरियल चीज़ें भी मिल जाएंगे एंड शांति सुख सब कुछ मिल जाएगा, आपकी आत्मा को भी हमेशा ईश्वर के सानिध्य प्राप्त होगी, जिसमें आप बहुत डिफरेंस महसूस करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो यहीं तक था श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हम चीटियों के साथ में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब बहुत बार मेरे हाथ में रेड एंट आ गई तो उसको रखना भी पड़ा। सो यस, अगले वीडियो में हम श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण राधे राधे।